हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं देहरादून में घूमने के 10 जगह के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देहरादून में स्थित एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है जो देहरादून शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहस्त्रधारा शब्द का अर्थ है द 1000 फॉल स्प्रिंग। इस स्थान पर झरने, गुफाएं, सीढ़ियां और खेती की जमीन भी शामिल है। यह स्थान उन झरनों और गुफाओं के लिए भी जाना जाता है जिनमें पानी चूना पत्थर के गुफा के छत से टपकता है। यह स्थान आकर्षित फोटोग्राफिक, धार्मिक स्थल और पर्यटकों की पसंदीदा जगहों के लिए जाना जाता है। सहस्त्रधारा में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी दिन यह खुला रहता है। नंबर 9, रोवर्स केव। देहरादून से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोवर्स गुफा एक प्राचीन अद्भुत गुफा है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 600 मीटर लंबी नदी की गुफा को यहाँ के स्थानीय लोग गुच्ची पानी के नाम से भी जानते हैं। रोबर्ट्स गुफा को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है जिसकी उच्चतम गिरावट 10 मीटर लंबी आंकी गई है। रोबर्ट्स गुफा अपनी अनूठी प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। इस स्थान को गायब होने वाली धारा के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान का उपयोग ब्रिटिश राज्य के दौरान लुटेरे छुपने के लिए भी करते थे। रोबर्ट्स गुफा को घूमने के लिए 35 रुपए एंट्री फीस है पर पर्सन। नंबर 8, लोचीवाला। देहरादून में लोचीवाला एक लोकप्रिय पिकनिक डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ की शानदार हरियाली और एक्टिविटीज के लिए यह स्थान बहुत ही अधिक चर्चा में रहता है। लोचीवाला देहरादून शहर से एक छोटी ड्राइव पर स्थित है। नंबर 7, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। तिब्बत में निंगमा स्कूल के 6 प्रमुख मठों में से एक माइंड रोलिंग मठ की स्थापना सन 1676 में ग्रिजिन तेरदक लिंगापा के द्वारा की गई थी, जिसे बाद में सन 1965 में भिक्षुओं के एक समूह के साथ खेचन निरपो छे द्वारा देहरादून शहर में फिर से स्थापित किया गया। माइंड रोलिंग मठ देहरादून का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है जहां सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। कई वर्गों के साथ एक वस्तु शिल्पकृति देखने के नाते माइंड रोलिंग मठ को देखने किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कई सुंदर उद्योग, बड़े क्षेत्र और एक स्तूप सभी मठों में स्थित है। नंबर 6, हरी की धुन। हरी की धुन देहरादून शहर की हलचल से दूर स्थित एक खूबसूरत पालने के आकार की घाटी है जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। इस घाटी की ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 3566 मीटर है। यह स्थान पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग भ्रमण की अधिकता प्रदान करता है। हरी की धुन घाटी को देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 5, फन वैली। देहरादून में स्थित फन वैली परिवार और दोस्तों के साथ जाने के लिए एक आदर्श जगह है जहां पर आप पूरा दिन उत्साहपूर्ण ढंग से बिता सकते हैं। फन वैली में रेस्टो, क्योसिक, रोमांचकारी सवारी और आवास स्थान है जिसमें एक शानदार वाटर पार्क, डिलक्स कमरे शामिल है। फन वैली में हाल ही में छुट्टी के दिनों में पर्यटक की भारी संख्या देखने को मिली है। यहाँ सम्मेलन कक्ष, पार्टी हॉल और शानदार कॉटेज जैसी सुविधा आपको मिल जाएंगी। नंबर 4, तपकेश्वर मंदिर। तपकेश्वर मंदिर देहरादून शहर के केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव जी को समर्पित तपकेश्वर मंदिर एक गुफा मंदिर है और यह मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मंदिर एक नदी के किनारे स्थित है जो कि इसे एक अद्वितीय पवित्रता प्रदान करता है। एक शिवलिंग मंदिर के प्रमुख परिसर में स्थापित है और शिवलिंग पर लगातार छत से पानी टपकते रहता है जिसे देखने के लिए लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि इस गुफा को गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था और ये द्रोण गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। नंबर 3, तपोवन मंदिर। तपोवन मंदिर एक पवित्र स्थान है जो देहरादून शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है जो और अधिक आकर्षित लगता है। तपोवन मंदिर आने वाले पर्यटकों को यहाँ के शांत वातावरण में मन को शांति प्राप्त होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर का नाम दो शब्दों से लिया गया है, तपस्या जिसका अर्थ है कठोर और वन जिसका अर्थ है वन से लिया गया है। नंबर 2, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 1906 में स्थापित किया गया था और यह इंस्टीट्यूट 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें वास्तुकला के उपनिवेशक और ग्रीसी रोमन शैली का समावेश देखने को मिलता है। भारत में फॉरेस्ट्री रिसर्च के क्षेत्र में स्थित यह प्रमुख इंस्टीट्यूट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का खूबसूरत विशाल परिसर मीडिया को भी आकर्षित करता है। इस स्थान का उपयोग विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों को फिल्माने के लिए भी किया जा चुका है। नंबर 1, राजा जी नेशनल पार्क। देहरादून में स्थित राजा जी नेशनल पार्क वनस्पतियों और जीवों में प्रचुरता से समृद्ध है और प्राकृतिक प्रेमी वन्य जीव उत्साहियों और लोगों के लिए एक शानदार छुट्टी बिताने का स्थान है। बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध राजा जी नेशनल पार्क को हाल ही में भारत सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है।
है। राजगोपालचारी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिले देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। यह वन क्षेत्र में साल, सागौन और अन्य झाड़ियों के लिए लोकप्रिय है। तो ये थे देहरादून में घूमने के 10 सबसे अच्छी जगह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।